ऐसा कार्यक्रम रखा हुआ है कि मुझे तो लग रहा है कि हमारे शिवाजी नगर में भी इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इसमें, जनता में क्या मैसेज देना चाहिए? पहले तो मैं सभी मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, पूरी हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदू सभी भाइयों को मैं ईद मुबारक देता हूँ। और पहले तो ये है कि आज ये प्रोग्राम रखा गया है, मेरा ये 8वां साल है। हम लोग 7 से 8 साल से हम लोग यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं और यही जगह पे हम लोग को प्रोग्राम करते हैं। रही बात शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा की, लास्ट टाइम आपने देखा रहेगा लास्ट संडे, वहाँ पे भी इससे बढ़कर वहाँ पे आवाम आई थी, इफ्तार पार्टी हुई। तो यहाँ पे मेरा हर साल का तो यही, आगे भी वहाँ पे भी हर साल यही प्रोग्राम वहाँ पे हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में वहाँ पे भी हर साल ये प्रोग्राम होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए, कल ईद है, ईद की शुभेच्छा किस प्रकार से देना? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आज चांद रात हुई, चांद का दीदार हुआ, सभी लोगों ने देखा, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, विशेष करके ईशानी मुंबई के सभी मुस्लिम भाइयों को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। इमरान भाई का ये काम आप जो देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि जो लोगों की जमघट लगा हुआ वो आप दिखाइए और इनके ही आगे बढ़ने के कारण मानखुर्द शिवाजी नगर में रोज़ा इफ्तार का एक ग्रांड सक्सेस, जिसमें करीब करीब 2000 लोगों ने इफ्तार के लिए शिरकत की थी, उसमें हिंदू मुस्लिम हमारे दलित भाई सारे लोगों ने शिरकत की। और जिस तरह से आपने ये प्रोग्राम वो देखा, हम ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले साल में ये प्रोग्राम जो यहाँ पर 8वां साल है वहाँ पर मानखुर्द शिवाजी नगर में वो पहला वहाँ पर शुरुआत हो और लोग पहचाने के लोगों के बीच में कौन काम करता है यहाँ पर इस जगह पर। इमरान भाई के माध्यम से चाहे वो किसी भी तरह की परेशान इंसान हो, अस्पताल का परेशान हो, हॉस्पिटल में दवाई का लिए परेशान हो, या स्कूल के फीस के लिए परेशान हो, या किसी और तरह की मदद लगती हो, इमरान भाई के दरवाजे से, इमरान भाई के वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से भरपूर शुभेच्छा देता हूं कि आप इसी तरह सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें और ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और आप बहुत जल्द से जल्द लोक प्रतिनिधि बनकर ईशान्य मुंबई का प्रतिनिधित्व करें। हमारे भाई हर गरीब को बिल्कुल साथ देते है। मेरा भाई 8 साल से बहुत मेहनत कर रहा है, क्या ये गरीब लोग की बहुत दुआ है, अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे।